मात्र 3 घंटे ही रह जाएगा। 3,775 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 6 लेन वाला 86 किलोमीटर लंबा कोटपुतली अलवर दिल्ली मुंबई इंटरचेंज पनियाला अलवर बरोदेमियो खंड और 94 किलोमीटर लंबा दौसा सवाई माधोपुर करौली को जोड़ने वाला स्पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अमृत काल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। राजमार्गों का अभूतपूर्व गति से निर्माण आज है बढ़ते भारत की नई पहचान। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वही रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है। इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1,386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महाराष्ट्र को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है। पर्यावरण और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें 3 एनिमल अंडरपास और 7 ओवरपास का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है। यात्री सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 94 वे साइड एमिनिटीज स्थापित की जा रही है, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, दुकानें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल है। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां विशेष हाट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे 20,000 से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है। इससे दिल्ली से फिरोजपुर झिरका, अलवर, बांदीकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर
तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 3.5 घंटों में तय हो सकेगा, जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर, सरिस्का, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर जैसे पर्यटन केंद्रों का और विकास होगा। यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा होगी। स्थानीय किसानों और कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें पहला है 2020 करोड़ रुपए की लागत वाला बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन पर। दूसरा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अम्बाला कोटपुतली 6 लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3,775 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन इस पर तथा 93 किलोमीटर वाला 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लालसोट करौली खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर। देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वर्ल्ड क्लास सड़क से जोड़ने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनी बनकर उभरेगा और अमृतकाल के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर, ये राजमार्ग, ये सड़कें वो माध्यम होते हैं जिन पर चलकर सुख और समृद्धि लोगों के जीवन में आती है। ये सिर्फ राज्यों और शहरों को ही नहीं बल्कि लोगों को, देश को जोड़ते हैं ये राजमार्ग। देश भर में इन जीवनदायिनी राजमार्गों का जाल बिछाकर न्यू इंडिया की राहें खोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देश में विकास, सुशासन के नए युग की नींव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रता से आग्रह करती हूं कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। तालियों से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वीके सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसावासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवीय से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए, इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान है, जो पशुपालक है, वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में ही खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। भाई और बहनों, इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले, ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवला देव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। साथियों, इसके अलावा आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी।
इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेगी। एक और परियोजना लालसोट करौली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को न सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि इस एक्सप्रेसवे को आज पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपये बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। अभी मैं यहां तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं समय लेता हूं, लेकिन अभी 15 मिनट के बाद मुझे पास में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना है। बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी सारे विषय वहां जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।